नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ के एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने अपने कार्यालय पर बताया कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छज्जोपट्टी थाना पवई जनपद आजमगढ़ में 27 फरवरी को यूपी बोर्ड की प्रथम पाली की परीक्षा केंद्र में परीक्षा कक्ष में बोलकर नकल कराने के मामले में केंद्र व्यवस्थापक समेत 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले में 2 मार्च शनिवार को जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार मिश्रा ने थाना पवई पर तहरीर दी थी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वादी मनोज कुमार मिश्र जिला विद्यालय निरीक्षक जनपद आजमगढ़ ने विनीत कुमार सहायक अध्यापक, गुलशन कुमार सहायक अध्यापक, अरविंद कुमार विद्यालय के सहायक लिपिक, अजय कुमार केंद्र व्यवस्थापक व प्रधान अध्यापक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छज्जोपट्टी थाना पवई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। 27 फरवरी को प्रथम पाली में परीक्षा के दौरान कमरा नंबर 3 से संबंधित कक्षा में पूर्वाह्न 11:05 पर कंट्रोल रूम के माध्यम से देखा गया कि एक व्यक्ति जिसकी वेशभूषा एवं हाव भाव अध्यापक के अनुसार नहीं था, वह हाथ में कुछ विषय वस्तु पाठ्य सामग्री लेकर कक्ष में घूम घूम कर वाचन कर रहा था। परीक्षा कक्ष में उपस्थित बच्चे इस लय में अपनी कापियां लिख रहे थे। कंट्रोल रूम पीसी पर तैनात राजू यादव द्वारा अपने मोबाइल नंबर से केंद्र व्यवस्थापक को फोन करने पर उक्त व्यक्ति कमरे से बाहर निकला, जिससे विद्यालय की शुचिता प्रभावित हुई। सुनते हैं मामले में एसपी ग्रामीण ने क्या जानकारी दी। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छज्जोपट्टी में नकल का मामला, यूपी बोर्ड की परीक्षा में बोलकर नकल कराने पर मुकदमा दर्ज, डीआईओएस की तहरीर पर केंद्र व्यवस्थापक समेत 4 पर मुकदमा दर्ज। न्यूज 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। आज दिनांक 2 मार्च 2024 को जिला विद्यालय निरीक्षक आजमगढ़ द्वारा थाना पवई पर एक लिखित तहरीर दी गई, जिसमें उच्च माध्यमिक विद्यालय छज्जोपट्टी थाना पवई पर प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक की मिलीभगत से चीटिंग कराए जाने के संबंध में आख्या प्रेषित थी। जिस रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए थाना पवई पर प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय छज्जोपट्टी समेत 4 के विरुद्ध FIR उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम की धारा 7/10 के अंतर्गत FIR दर्ज की गई। इसमें एक CCTV फुटेज भी प्राप्त हुई, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा बोल बोल कर बच्चों को चीटिंग कराई जा रही थी। इस चीज का संज्ञान लेते हुए FIR पंजीकृत कर विवेचना की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।